बच्चों सबको शुभोदय। तो आज हमें बदले अपनी सोच, बदले अपनी सोच पाठ का तीसरा भाग को आज हम पढ़ेंगे। तो एक बात देखिए श्याम पट की ओर, तो स्वर अर्ध है और यहाँ पर प्रश्नोत्तर है। चलो आज हम पाठ के अंतर्गत जाएंगे। तो आज हमें मई दुनिया से लेकर संरक्षण हो, तो ये दो परिच्छेदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो छात्र एक बार देखिए, तो मैं आदर्श वाचन करके सुनाऊंगा। इससे पहले हमें दो सत्र पढ़ चुके थे, यह आज तीसरा सत्र है। तो मई दुनिया के सभी नेता उनसे दो प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान कैसी किसी भौगोलिक राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है, इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए। यदि राष्ट्र की सुरक्षा शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है, तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएगा। अब वो हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। तो बच्चों इससे पहले हम पढ़ चुके थे, ये बदले अपनी सोच पाठ में पूरा पर्यावरण संबंधी अंशों को लेकर कालोस्तंभ। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि ये जो इस पाठ में युवरत्न श्रीवास्तव ने जो भाषण दे रही है, वो सभी पर्यावरण संबंधी अंशों के बारे में, सवालों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ में वो अपने अभिप्रायों को, अपने विचारों को व्यक्त कर रही है। इसके अंतर्गत ये दो परिच्छेदों में भी वो बोल रही है कि जो यहाँ पर मैंने प्रश्नोत्तर के रूप में तुम लोगों को पाठ समझाना चाहता हूँ। तो देखिए एक बार, तो क्लोजअप, तो देखिए युवरत्न नेताओं से कितने प्रश्न पूछना चाहती हैं। तो छात्रों यहाँ पर देखिए दो परिच्छेद में हमें एक एक वाक्य के लिए, दो तीन वाक्यों के लिए सरल सरल प्रश्नों के रूप में यहाँ पर पाठ पठन चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले छात्र मैं तुम लोगों को इसके अंतर्गत जो कठिन शब्द है, तो कठिन शब्दों के बारे में हम देखेंगे। आयु, वयस्स, राष्ट्र, देशम, दुनिया, प्रपंचम, नेता, नायकड़, सीमा, परिधि, आवाज, शब्दम, कदम, अड़ू, विकास, अभिवृद्धि, मुद्दा, उद्देश्य, जो ये है कठिन शब्द का अर्थ। और इसके साथ साथ भाषा की बात के अंतर्गत हम पाठ के उपरांत हमें कुछ कोई भी विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन जो भी आए वहाँ पर हम देखेंगे। तो अब पाठ पठन के अंतर्गत हम यहाँ पर सात प्रश्नों के द्वारा हम पाठ को हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो युवरत्न नेताओं से कितने प्रश्न पूछना चाहती है? युवरत्न अगर पूछो नायकों ने प्रश्न वैसे वहाँ पर उन्होंने दो प्रश्नों को पूछी है, जवाब है दो। अगर ये क्लास है तो मैं तुम लोगों को ये प्रश्न पूछता था, लेकिन हमारे ये वीडियो लेसन है तो इसलिए मैं ही खुद जवाब बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। पर्यावरणीय समस्याएं किससे संबंधित नहीं है? तो छात्र वो बोल रही है पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो किससे संबंधित नहीं है, तो भौगोलिक, राजनैतिक, आयु। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो भौगोलिक, राजनीतिक सीमा और आयु समूहों के दायरे में होती है, मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। तो कहने का वो उनके विचार है, तो पर्यावरणीय समस्याएं भौगोलिक यानी भौगोलिकमें राजकीयमें वयस संबंधित अंशाल की अतीतमें पर्यावरण समस्या। तो तीसरा प्रश्न है, तो ऐसे मुद्दों पर कौन बातचीत करवाते हैं? तो पर्यावरण संबंधी अंशों को कोई समस्याएं आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, तो इसके प्रति इन उद्देश्यों के बारे में बातचीत कौन करवाते हैं, वीट संबंधी अंशाल में एवरु वाटिनि चर्चिंचेंदुकु अवकाशं कल्पिस्तारु? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे पूरे जो दुनिया भर के जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं उसके बारे में यूएनओ में सभी लोग वहां पर बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इस बातचीत में किसकी आवाज़ शामिल करनी है,
इस बातचीत में किसकी आवाज शामिल करनी है? तो वो कहते हैं इस बातचीत में तो सिर्फ केवल नेता ही नहीं बच्चों और युवकों की आवाज को भी हमें शामिल करनी है। तो इकड़ा सहजंगा अक्कड कूर्चुन्न वाळ्ळु केवलं एवरु नायकुलु कूर्चुन्नारु ఆ నాయకులు ఎవరైతే కూర్చున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఇటువంటి అంశాలని పిల్లలు యువకులు కూడా చర్చిస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆమె అభిప్రాయం. అవర్ హమారే లియే క్యా జరూరీ హై, హమారే లియే క్యా జరూరీ హై, తో రాష్ట్ర కి సురక్ష శాంతి ఆర్థిక వికాస్ తో యువరత్న బోల్ రహి హై, తో హమారే దేశ్ కే లియే హమారే సంసార్ కే లియే క్యా జరూరీ హై, హర్ దేశ్ కి సురక్ష శాంతి ఆర్థిక వికాస్ ఈ తీన్ అంటే ఆ దేశం యొక్క సంరక్షణ భాగంగా ఉండటం, శాంతి కలిగి ఉండటం, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందటం, ఈ మూడు ప్రతి దేశానికి అవసరం, మనకి చాలా ముఖ్యమైనవి. ఈ మూడు మనం అంశాల పట్ల మనం జాగరూకత కలిగి ఉన్నట్లే ఉండాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనం పర్యావరణ పరంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది ఆమె ఉద్దేశం. తో చట్టవ ప్రశ్న హై నయే కథ ఉటానే వాళ్ళే కౌన్ హై, तो ऐसे अनेक मुद्दों के प्रति अनेक सवालों के प्रति तो कदम आगे उठाने वाले अटे अड़ मुझे शासवे यूएन संयुक्त राष्ट्र एवरू माटापोना ऐक्यराज्य समित तपन सको तन अभिप्रायानी तन आलोचन प्रपंच मुझे प्रपंच देश मुझे कटगे सत्ता अवसर यूएन उठने विषय. तो अब हम किसका संरक्षण कर सकते हैं? तो हमें वर्तमान का हो गया है और जो भूतकाल भी हो गया है, भविष्य है हमारे आगे. तो इसलिए हमें जो भी हो गया है अगले क्या है भविष्य है. तो हमें जो हो गया है जो हो गया जो सो गया जो उसके बारे में छोड़ दो, लेकिन हमें अपने भविष्य की संरक्षण के बारे में हम सभी सोचने के बारे में युगरत्न जो इस दो परिच्छेदों के अंतर्गत वो बता रही है कि छात्र तो हम अपने दुनिया को अपने संसार को अपने देश को संरक्षण करना है तो पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं के प्रति हमें जागरूक होने के लिए वो इस दो परिच्छेदों के अंतर्गत वो बोल रही है. तो छात्र घर में एक बार इस पाठ को पढ़िए और प्रश्नों में एक बार दोहराइए और पढ़िए और इसके अंतर्गत कोई संदेह आए तो अपने अध्यापकों से पूछताछ कीजिए. ओके, धन्यवाद.